ये है दिल्ली दर्पण। आदर्श नगर विधानसभा के आदर्श नगर वार्ड में राजन बाबू रोड पर नए प्रतिष्ठान जन औषधि केंद्र का उद्घाटन भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता द्वारा किया गया। ये जन औषधि केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई दवाई की दुकानों की ऐसी श्रृंखला है जो सभी के लिए किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करती है, जिससे आप एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयों की खरीदारी में 50-90% तक की बचत कर सकते हैं। इस मौके पर आदेश गुप्ता ने कहा कि ये जन औषधि केंद्र दिल्ली का 160वां है और हम दिल्ली के हर वार्ड में एक जन औषधि केंद्र खोलेंगे ताकि दिल्ली के लोगों को कम कीमत पर दवाइयां उपलब्ध कराई जा सके। इसी के साथ दिल्ली सरकार पर भी आदेश गुप्ता ने जमकर निशाना साधा। 160वां जन औषधि केंद्र खुला है, दिल्ली के लोगों को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्रों के द्वारा सस्ती और गुणवत्ता वाली अच्छी दवाइयाँ मिलने की योजना में हमने तय किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से और जो भी लोग प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र खोलना चाहते हैं वो उसकी शर्तों को अनुसार खोल सकते हैं और दिल्ली के अंदर हम हर वार्ड में कम से कम एक प्रधानमंत्री जनौषधि केंद्र खोलने की तैयारी में है, वो शीघ्र पूरा होगा और इसके बाद हम आगे का लक्ष्य हमने तय किया कि हम एक साल के अंदर लगभग 500 जनौषधि केंद्र दिल्ली में खोलें, जिससे कि दिल्ली का जो दिल्ली के लोग हैं उनको सस्ती और अच्छी दवाइयाँ मिल सके। इसमें समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, उसके तहत प्रधानमंत्री जन औषधि कल्याण योजना केंद्र खोल रहे हैं। दिल्ली में 160वां केंद्र खोला है और इसके माध्यम से उन सब लोगों को जो महंगी दवाइयां खरीदते थे उसी सॉल्ट की जेनेरिक दवाइयां सस्ते दामों पर उचित दामों पर मिलेंगी और इन दवाइयों का जो रेट का अनुपात है वो लगभग 5 गुना कम रेट पर ये दवाइयां मिल रही हैं। जो सामान्य लोग हैं, जो कि गरीब लोग हैं, जो कि दवाइयों का खर्च नहीं उठा सकते, आपको जैसे पता है आजकल इतनी महंगाई है और नई नई बीमारियाँ आती हैं तो उसमें इलाज के लिए जो दवाइयों पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए और लोगों की परेशानी देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे बीच में ये लाए हैं जन औषधि केंद्र। और इसकी खासियत ये है कि जो बाज़ार में हमें दवाइयाँ मिलती हैं उनकी क्वालिटी बिल्कुल सेम है, लेकिन जो कीमत है वो यहाँ पे 50% से लेकर 90% की कीमत यहाँ पे कम है। आपको बता दें कि ये जन औषधि केंद्र पार्षद गरिमा गुप्ता के क्षेत्र में बना है। गरिमा गुप्ता आदर्श नगर से पार्षद हैं और लोगों की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं और इस केंद्र की देखरेख की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने कंधों पर ली है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए संजय सिंह की रिपोर्ट।